अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ढेर सारा सूप जो हम सब बनाएंगे और इसको पियेंगे। उसके ये इंग्रेडिएंट्स हैं, थोड़ा सा पुदीना, मटर, शिमला मिर्ची, गाजर, टमाटर। इनको आप थोड़े से घी में थोड़ा सा सोते कर लें, आधी चम्मच नमक डाल लें, हल्का हल्का इसको फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद इसकी ये लुक है। 2 किलो पानी में 1 किलो चिकन की यखनी बना लें, बाकी चिकन निकाल दें, कहीं और यूज़ कर लें। 4 से 5 बोटियों का आप उसको श्रेड कर लें और इस यखनी में डाल दें। इसको थोड़ा सा इसमें पकाएं। जो सब्जियां हमने भुनी हैं उनको आप इसमें शामिल करें। ये हम इसमें डाल के तो इसको थोड़ी देर पकाएंगे, तकरीबन 10-15 मिनट हम इसको पकाएंगे। इसमें 1 कप का चौथाई हिस्सा या 4, आप ऐसा करें कि इसमें 8 से 10 हरी मिर्चियां हमने इसमें चॉप करके वो शामिल कर दी हैं। आप थोड़ी सी शामिल करें, क्योंकि आप यखनी अगर कम ले रहे हैं तो उसमें कम डालें। अगर आपको हरी मिर्ची से एलर्जिक है तो आप इसमें काली मिर्ची पीस के डालेंगे, हरी मिर्ची आप नहीं डालेंगे। सोया सॉस हम इसमें नहीं डाल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सोया सॉस के बगैर आपका सूप नहीं बनता, वो बन जाएगा और अच्छा भी लगेगा, टेस्ट भी वैसा ही आएगा। कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ नहीं है कि उसमें आप सोया सॉस डाल के रहेंगे। बाकी आपने इसको जो है पतला है इसको गाढ़ा करना है, पका पका के गाढ़ा नहीं करना है। इसको गाढ़ा करने के लिए हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर या मैदा जो है वो उसको मिक्स करके तो उसको हमने पानी में घोल लेना है। घोल के तो वो हम इसमें शामिल करेंगे, थोड़ी देर पकाएंगे और ये गाढ़ा हो जाएगा और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है, कच्चापन नहीं होता ज़रा सा भी, और वो बहुत अच्छा टेस्ट आप उसका बनाएंगे। इसको आपने अच्छा बॉयल होने देना है, अच्छे से पकने देना है। किसी भी अच्छे सूप से काम नहीं है, कॉर्नफ्लोर या कुछ भी ऐसा है तो आप साथ में शामिल नहीं करेंगे। इसको थोड़ा सा पकाएंगे फिर उसको डालेंगे। कि आपने कॉर्नफ्लोर या मैदा आपने लेना है, हमने मैदा लिया है, मैदा हमने 4 चम्मच लिया है क्योंकि हमारे पास सूप ज़्यादा है। तो इसको आप पानी से घोल लें, घोल के आप इसको आहिस्ता आहिस्ता करके डालना है, एकदम से आपने उसमें नहीं डालना क्योंकि ये गुठली बना देगा। आप इसको थोड़ा थोड़ा करके तो वो डालते जाएं और साथ साथ उसका चम्मच आप हलाते जाएं तो ये इसको गाढ़ा कर देगा और सूप जो पतला पतला सा होता है, बिल्कुल बह जाने वाली यखनी वैसे नहीं होगा, बल्कि ये गाढ़ा और अच्छा सा सूप तैयार हो जाएगा। उसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त सा आएगा और उसको आप आहिस्ता आहिस्ता करके डालते जाएं, उसमें साथ साथ चम्मच हलाते जाएं और इसको 5 मिनट मज़ीद पकाएं और ये तैयार है। इसको अच्छी सी सर्विंग प्लेट में निकालें और प्यारे से चम्मच के साथ शाम के बाद आप टीवी प्रोग्राम के साथ बेहतरीन सूप को एंजॉय करें।